तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20, अभी ट्रेन आने वाली है। अभी अच्छे से सुबह भी नहीं हुई है और मैं अभी हूँ मुतिहारी स्टेशन पे और बहुत जल्दी मेरी ट्रेन आ गई है। वहाँ पे सीटी मार रही है, बहुत दूर है यहाँ से, तो बहुत जल्दी ट्रेन आएगी। मैं पकड़ के जाऊँगा मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में मैं सुगम से मिलूँगा और वहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। अभी मैं अकेला हूँ मुतिहारी स्टेशन पे, बोर्ड देख सकते हैं आप, इतना नहीं होगा। चल चलते आगे, ट्रेन आ रही है। आपको मुतिहारी स्टेशन का थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप मुतिहारी स्टेशन। तो स्वागत है आपका हमारे पटना के सफर पे। तो देखते हैं अब, आज पटना जाने का प्रोग्राम है, क्यों है चल के बताएंगे और वहाँ जाके बताते हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो अपना जाएगा ऑटोमेटिक जाएगा। पटना में आपका है स्वागत। हम लोग आ चुके हैं पटना में, टेम्पू में बैठे हुए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं निंजा से भेंट करने। निंजा पहले से यहाँ पे पटना में है, यहीं पे रहता है, उससे जाकर मुलाकात हो वहाँ पे कोचिंग वाले पूरा एरिया में एकदम। तो हम दोनों कोई पटना पहुंच चुके हैं और दोस्त के डेरा पे, और उसको अभी तक पता नहीं है, और उसको इतना पता है कि आ रहा है लेकिन उसको नहीं पता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए उसका देखते हैं रिएक्शन क्या कर रहा है, देखते हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है कि जोर धमकी कर रहा है। चल 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 चल, सरप्राइज। आया क्या अभी? आया नहीं, आधे घंटे पहले आके वेट कर रहे थे। ये देखिए, ये हमारे देश के नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे देश के दूसरे नौजवान। बस थोड़ा सा और है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। सब एनडीए का तैयारी कर रहा है। हमारे देश का नक्शा देख सकते हैं आप, भाई साहब हमारे नोट्स बनाए हुए हैं। ये होती है पटना के स्टूडेंट्स की जिंदगी। ये देखो, ये लोग कभी कभी डरता भी है तो इधर पर भगवान से कम्युनिकेट भी ये लोग करता रहता है। नहीं से ये क्या लिखा है निंजा पढ़े तो क्या लिखा है? इसका मतलब है कि मॉम एंड डैड आर वाचिंग। इसका मतलब नहीं पूछ रहे, इंग्लिश आता है, पढ़ के बता क्या लिखा है। तो इसका हम लिखने का मतलब मेरा यही है कि तुम अपने माँ बाप को प्रूव करो कि तुम अपने माँ बाप का सबसे अच्छा बेटा है। ओ तेरे रुलाए के पगले, चुप। देखिए ये सब बातें जो है नहीं छोड़ो बेटा। नहीं इसका मतलब यही हम डिनोट करते हैं कि हमारे मम्मी पापा यहाँ पे हमें देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम। तो इससे अच्छा है कि एक वाइफ से बना रहता है, ये दिखाना चाहता है, लेकिन सच्चाई क्या है? यही है मतलब, संस्कारी है, प्योर संस्कारी है, शुद्ध संस्कारी। बस ये हमारा छोटा सा माहौल है, दुकान है, यहीं पे हम पढ़ते हैं और क्या। इसीलिए पढ़ाई लिखाई होती है, पटना की जिंदगी ऐसे ही चलती है। ये इसका पंखा है जो कि इसको रूम मालिक ने दिया, इसने खुद लगवाया है। हाँ वो नहीं मिला, और वो मेरा छोटा सा किचन है जहाँ पे हम खाना पकाते हैं। भाई किचन देख के डोनेशन देने का मन कर। तो पटना की गलियों में आपका स्वागत है। ये हमारे रूम का बालकनी, अभी हम लोग पटना की निकलने वाले हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं एनआईटी घाट पे।
बहुत नजदीक है यहाँ से, बस 4 कदम की दूरी पे है, 5 मिनट चलते हुए पहुंचेंगे हम लोग। 4 कदम है, 4 कदम से 1 कदम ज्यादा हुआ तो समझ लेना भावना का शब्द शब्दों में नहीं। मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना, तो मेरा साथी मेरे साथ ना, या ओ मेरा साथी मेरे साथ ना।